डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चौथा चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक स्टार्टिंग से चैप्टर है, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सीखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान क्या है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोगों का चैप्टर भी है, और चलिए टॉपिक्स भी देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग टॉपिक बनाएंगे, उसके नीचे फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक मूलक उपस्थित होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, अब देखिए, हम लोग क्या पढ़े कि जिस कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बोक्सिलिक मूलक उपस्थित रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कार्बोक्सिलिक मूलक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक मूलक कहते किसको हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक मूलक हम लोग किसको कहते हैं, तो इसका जो जनरल सामान्य सूत्र जो होता है, उसके नीचे लिख लीजिएगा सामान्य सूत्र जो होता है वो R से COOH जुड़ा हुआ रहता है। R का मतलब कौन सी, तो R का मतलब होता है कार्बन का चैन, R मतलब कार्बन चैन। ठीक है, जिससे COOH जुड़ा रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक मूलक। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक मूलक कहा जाता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक मूलक का पहचान क्या है या फार्मूला क्या है, तो COOH। ठीक है, COOH, तो COOH अगर रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक मूलक कहते हैं इसको। ठीक है, और इस कार्बोक्सिलिक मूलक का पहचान है कि कार्बन चैन में COOH रहता है, तब ये पूरा को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में इस R का मतलब क्या हुआ, R का मतलब हुआ कार्बन का चैन। ठीक है, जैसे एक कार्बन का चैन रहेगा, पहला एग्जाम्पल CH3 रहेगा, और इसके साथ अगर COOH जुड़ गया तब इसको भी हम बोलेंगे कि एक तरीका का क्या हुआ, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ। अगर मान लिया कि CH3 CH2 COOH ये हम लोगों को एक तरह का यौगिक बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक चैन बन रहा है CH3 CH2, और इसके साथ क्या जुड़ा है, COOH, तब इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि कार्बनिक यौगिक में COOH का जुड़ना, अगर COOH जुड़ा हुआ रहेगा तब हम उसको बोल देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अच्छा, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH, क्या है ये, तो ये भी हम लोगों का एक तरीके का क्या है, तो हम लोगों का एक तरीके का ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। ठीक है, क्यों कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का चैन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन का जो चैन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ COOH जुड़ा हुआ है, इसको भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। चौथा, अगर मान लिया C12 है, H25 है, और फिर COOH जुड़ा हुआ है, यानी कि इधर जितना भी हुआ कार्बन का चैन हो गया, इधर कार्बन चैन हुआ और COOH जुड़ा रहे, तब हम इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं,
कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरा को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, इस पूरे को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। चलिए उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उसके नीचे एरो देना है। लिखेंगे कार्बोक्सिलिक मूलक की रचना में, कार्बोक्सिलिक मूलक की रचना में, कार्बोक्सिलिक मूलक की रचना में, कार्बोक्सिलिक मूलक, सॉरी फिर से मिलाइएगा, कार्बोक्सिलिक मूलक की रचना में कार्बोनिल मूलक, कार्बोनिल मूलक तथा हाइड्रोक्सिल मूलक, हाइड्रोक्सिल मूलक उपस्थित होते हैं। फिर से मिलाइएगा एरो, इस एरो को शुरू से बोल देते हैं। कार्बोक्सिलिक मूलक की रचना में कार्बोनिल मूलक तथा हाइड्रोक्सिल मूलक उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, जिसके कारण इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। अब देखिए, याद रखिएगा, कोई बोलेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको कहते हैं या क्यों कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं, उसके नीचे लिखिएगा कि कार्बोक्सिलिक मूलक किसको कहते हैं, COOH को, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक मूलक या कार्बोक्सिलिक मूलक COOH। इसी को अगर फॉर्मेशन किया जाता है तो ये ऐसे बनता है सी से ओ और यहाँ होता है OH, ठीक है, तो इसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सी और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऊपर जुड़ता है और एक OH जो है सिंगल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ ऐड होता है। तो इस ये जो फॉर्मेशन हुआ ये दो पार्ट में टूटा, इसको बोलते हैं कार्बोनिल मूलक, कार्बोनिल मूलक, और इसको बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोक्सिल मूलक, हाइड्रोक्सिल मूलक। ध्यान रहे, हम लोग ये समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक मूलक जो होता है इसमें क्या क्या उपस्थित रहते हैं, तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक मूलक में कार्बोनिल मूलक, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या रहते हैं, तो हाइड्रोक्सिल मूलक उपस्थित रहते हैं, ठीक है, दोनों उपस्थित रहते हैं, तभी इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक मूलक, ठीक है। चलिए तो अभी हम समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान क्या है कि इसमें COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक जिसको बोलते हैं वो जुड़ा हुआ रहता है जिसका नाम है COOH। तो इसका पहचान जो है कि COOH कहीं भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो टॉपिक बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम, ठीक है, ये हम लोगों का टॉपिक है, मेन टॉपिक्स कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम। अब देख पाएंगे कि हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो IUPAC नाम है इसका भी लिखने का कुछ अलग तरीका होता है। जैसा कि आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो IUPAC नाम होते हैं या फिर एल्डिहाइड के IUPAC नाम हम लोग देखें, अल्कोहल फिनॉल ईथर के लिए हम लोग IUPAC नाम पढ़ें, तो सबके लिए रूल नियम अलग अलग होता है। उसी तरीके से इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका भी रूल नियम कुछ अलग टाइप का है, यानी कि कभी भी आपको समझ में आना चाहिए कि COOH रहेगा, COOH रहेगा तो उसका जो हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे इसी का रूल नियम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके नीचे इसका लिखने का जो रूल नियम है उसको लिखेंगे, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक मूलक वाले कार्बन को लेकर,
कार्बोक्सिलिक मूलक वाले कार्बन को लेकर पीसी चुनना होगा। पीसी चुनना होगा कार्बोक्सिलिक मूलक वाले कार्बन को लेकर पीसी चुनना होगा। पीसी चुनना होगा। सेकेंड एरो देंगे, सेकेंड एरो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक मूलक वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करना होगा। सेकेंड एरो में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक मूलक वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करना होगा। थर्ड एरो देंगे, थर्ड एरो देकर लिखा जाए यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कॉमा ओएच रहेगा तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। इसका क्या नाम रखेंगे, जैसे सीएल का होता है ना क्लोरो, उसी तरीके से सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ओएच रहेगा, ओएच तो उसके नीचे लिखिए एरो देकर क्या लिखे, यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कॉमा उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि ओएच रहेगा तो उसका नाम हाइड्रोक्सी लिखेंगे। अगर सी डब्लो एच रहेगा तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी ठीक है। अगर ऐसा रहेगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन तब इसको बोलते हैं साइनो, क्या बोलते हैं इसको साइनो। अगर एन ओ टू रहेगा दोस्तों तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको नाइट्रो ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ओएच रहेगा तो इसका नाम हाइड्रोक्सी होगा, सी डब्लू एच रहेगा तो कार्बोक्सी होगा, अगर सी एन रहेगा तो साइनो होगा, एन ओ टू रहेगा तो इसका नाइट्रो होता है ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग सबका आईयूपीएसी नाम लिखने में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में याद रखिएगा कि क्या क्या रहता है तो इसका नाम क्या होता है। चलिए फिर इसके नीचे एरो देंगे, इसके नीचे एरो देंगे लिखेंगे इसमें सफिक्स के रूप में, इसमें सफिक्स के रूप में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, इसमें सफिक्स के रूप में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, इसमें सफिक्स के रूप में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, इसमें सफिक्स के रूप में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कि आखिर किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग नाम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो रूल नियम पढ़े कि सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना तो सभी रूल नियम को अप्लाई कर देंगे। पहला एग्जाम्पल है एच सी डबल ओ एच ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले उसी कार्बन को लेकर पीसी चुनना है जो कार्बोक्सिलिक मूलक वाला होगा ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहला रूल नियम बोला कि कार्बोक्सिलिक मूलक वाला जो कार्बन है तो ये कार्बोक्सिलिक मूलक वाला कार्बन यही ना है तो इसको हम लोग पीसी चुनेंगे। तो पीसी चुन लिए, अब इसको पीसी चुनना है और इसको पीसी चुनने के बाद नंबरिंग जो शुरू करना है इसी कार्बन से शुरू करना है। ध्यान रहे किस कार्बन से शुरू करना होता है हमेशा, सबसे पहले पीसी किसको लेकर चुनेंगे तो कार्बोक्सिलिक मूलक वाला जो कार्बन रहेगा इसी कार्बन को लेकर पीसी चुनेंगे। पीसी मतलब प्रिंसिपल चेन। और जब नंबरिंग करना होगा तो नंबरिंग हमको कहाँ से शुरू करना होगा तो उसी कार्बन से शुरू करना होगा ठीक है। किस कार्बन से हम लोग नंबरिंग शुरू कर दिए, तो नंबरिंग शुरू करेंगे तो एक ना हुआ तो एक पर क्या आता है मेथेन आता है, एक पर क्या आता है मेथेन, और मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ना है। क्या लिखें लास्ट में कि इसमें सफिक्स के रूप में, सफिक्स का मतलब अंतिम में ओइक अम्ल जोड़ना है, ओइक अम्ल। तो यहाँ एक नंबर पे तो मेथेन आता है
तो इसमें ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, क्लियर। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे मान लिया CH3COOH रहेगा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखें कि PC चुनना है। अब PC किसको लेकर चुनना है, तो इस कार्बोक्सिलिक मूलक वाले कार्बन को लेकर PC चुनना होता है, तो इसको लेकर, इस कार्बन को लेकर PC चुन लिए, तो ये PC ऐसा ही ना होगा, PC का मतलब कार्बन चैन, तो यहाँ पे कार्बन था तो इसको भी शामिल कर लिए। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, तो कार्बोक्सिलिक मूलक वाला कार्बन से नंबरिंग शुरू करना, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो अब देखिए कि कार्बन चैन में PC में कितना कार्बन है, तो PC में 2 कार्बन है, और 2 कार्बन का मतलब 2 कार्बन के लिए आता है मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए क्या आता है एथ, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले के लिए, तीसरे वाले में हम लोग देख पा रहे होंगे कि अगर ऐसा नाम रहेगा CH3CH2COOH, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे इन चीज़ों को, तो यहाँ से आपको क्लियर बात हो रहा है, क्लियर कट यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक मूलक वाला जो कार्बन होता है उसको लेकर हमको PC चुनना है, तो PC चुन लिए, ये हो गया PC, ठीक है। जब ये PC हो गया तो इस PC में हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक मूलक वाला कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो यहाँ वाला से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, तो ये हम लोग नंबरिंग कर लिए, और इस नंबरिंग जैसे ही हम लोग किए तो यहाँ पे पता चल गया कि इसमें कितना कार्बन में, इस कार्बन के चैन में कितना कार्बन है, तो इस कार्बन के चैन में टोटल पता चला 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में पर कौन कौन आता है, तो पहले के लिए मेथ, दूसरा के लिए एथ, तीसरा के लिए प्रोप, तीसरा के लिए क्या आता है प्रोप, तो और हम लोग इसका नाम लिखने के लिए सीखे हैं कि अंत में क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेन तो होबे करता है तो ओइक अम्ल जोड़ देंगे, तो प्रोपेनोइक नोइक अम्ल, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो दोस्तों और भी कुछ आपके लिए हम सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो अगला क्वेश्चन है CH3CH2CH2COOH, इसका नाम आपको खुद से करना है, ठीक है, ये हम छोड़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पांचवा, CH3CH2CH2COOH, ठीक है। फिर अगला है छठा क्वेश्चन, CH3CH3COOH, ठीक है। तो कुल मिलाकर देख पा रहे होंगे कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको बता देते हैं, ये दोनों छोड़े आपको करना है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन को लेकर PC चुनना है, तो PC में तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार्बन होगा, ठीक है, ऐसा ही ना PC होगा। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा यहाँ से करेंगे, कार्बोक्सिलिक मूलक वाला कार्बन से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। दोस्तों सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो यहाँ हो जाएगा 2 मेथिल, 2 हो गया मेथिल, क्यों, क्योंकि 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है। वैसे ही याद रखिएगा, कहीं OH जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोक्सी बोलना है, कहीं COOH जुड़ा रहेगा तो उसको कार्बोक्सी बोलना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे कुछ इस तरीके से कि 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, और कितना कार्बन का चैन है, कितना कार्बन का चैन है, 3 कार्बन का चैन है, तो यहाँ हो जाएगा 3 कार्बन के लिए आता है प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट मान लिया जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, सातवां ऐसा क्वेश्चन है कि
COOH इधर भी जुड़ा हुआ है और CH2 COOH। ये भी हम लोगों एक क्वेश्चन है जिसके दोनों छोर पे COOH जुड़ा रहेगा। तो हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, हम लोग ऐसे सवालों में किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। हालांकि पीसी जो चुनना है तो कार्बोक्सिलिक वाला मूलक वाला जो कार्बन को लेकर पीसी चुनना है तो कार्बोक्सिलिक मूलक तो COOH कहलाता है, इसके वाला कार्बन को लेकर एक पीसी चुन लिए। अब ये जो पीसी हम लोगों को मिला, इस पीसी में किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मान लिया कि यहाँ से किया तो 1, 2, 3। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ कहाँ पे है, तो 1 पे भी है और 3 पे भी है, इसलिए लिखेंगे 1, 3। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक मूलक 1 पे भी है, 3 पे भी है, तो 1, 3। और कार्बन चेन में कितना कार्बन, तो 3 कार्बन, तो यहाँ हो जाएगा 1, 3। और यहाँ पे लिखेंगे डाई, क्यों डाई, नहीं ऐसे नहीं, डाई ओ एक अम्ल, पहले सबसे पहले आप 3 कार्बन के लिए आप लिख दीजिए प्रोपेन हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, फिर लिखिए डाई, क्यों डाई, क्योंकि 2 बार आया है, तो 1, 3 प्रोपेन डाई ओ एक अम्ल, डाई ओ एक अम्ल। ध्यान दीजिएगा इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, तो 1, 3 प्रोपेन डाई ओ एक अम्ल, डाई ओ एक अम्ल, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बनता है, तो अगर दोनों तरफ COOH रहेगा तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, 1, 3 और फिर कार्बन के 3 चैन है तो प्रोपेन और फिर डाई लगाएंगे, क्योंकि ये COOH 2 बार आया है, इसके लिए डाई और ओ एक अम्ल जोड़ देते हैं। वैसा ही दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, COOH हो गया, फिर CH2, ठीक है, फिर CH2, फिर COOH, इसका आपको खुद से करना है नाम, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन रहेगा CH3, CH, CH2, COOH, CH3, इसका आपको खुद से करना है, 7, 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, CH3, CH, CH3, CH, COOH, CH3, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, CH3, CH, OH, COOH, नेक्स्ट 12 नंबर, COOH, CH, OH, COOH, COOH, ठीक है, इसका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ इस तरीके से है, 13, NCCH2COOH, ठीक है। नेक्स्ट है 14, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15वां, CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3, COOH, C2H5, ठीक है। तो ये 15 जो क्वेश्चन दिए हैं जिसमें छोड़े हुए हैं वो आपको खुद से ट्राई करना है और बनाकर हमें सेंड करना है, गलती होगा फिर हम बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।